आज मैंने बनाई है आलू बैंगन की बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी। तो चलिए आइए वीडियो में देखते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं बैंगन, छोटे छोटे साइज के बैंगन लिए हैं, और छोटे साइज के लिए हैं यहाँ पर आलू, जिनको मैंने छील लिया और छील कर मैंने पानी में डाल दिया है। तो फिर क्या होता है कि आलू हमारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी काले पड़ जाते हैं, और बैंगन भी काले पड़ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, बैंगनों में इस तरह से एक चीरा लगा देंगे, उनको नीचे से आपने जुड़ा रहने देना है और अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। आलू को भी हम इसी तरह से कट लगा देंगे, एक कट इधर से लगाएंगे और दूसरा उधर से लगाएंगे, लेकिन इसको नीचे से हम जुड़ा रहने देंगे। सभी आलू बैंगन को अच्छी तरह से मैंने धोकर वॉश कर लिया था और फिर इनको मैंने पानी में डाल दिया था। सारे आलू बैंगन को मैं इसी तरह से कट कर लूंगी। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए इस तरह से सभी आलू बैंगन को हम चीरा लगा लेंगे। अब हम तैयार करेंगे इसके लिए एक बढ़िया सा मसाला। 2 टीस्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने भर के पूरी पिसी हुई लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून लिया है मैंने गरम मसाला, ये लिया है मैंने पिसा हुआ आमचूर पाउडर 2 टीस्पून, और ये लिया है मैंने सौंफ जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, और नमक स्वाद अनुसार। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है ताकि ये अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाए। 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है ताकि हमारा मसाला बढ़िया सा मिक्स हो जाए। ये देखिए मसाला बढ़िया सा मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सभी बैगनों में इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भर देंगे। ये देखिए दोनों साइड से आप इसको भर दीजिए और हाथ से थोड़ा सा दबा भी दीजिएगा ताकि मसाला नीचे तक बढ़िया तरीके से पहुंच जाए। इसी तरह से हम बैगनों को भी भरेंगे और इसी तरह से हम आलू को भी भरेंगे। लोग कई तरह से बैंगन बनाते हैं, बहुत अलग अलग तरह से बैंगन की सब्जी बनती है, और एक ही तरह से बैंगन की सब्जी खा के हम बोर हो जाते हैं, या कोई भी सब्जी हो हम अगर उसको एक ही तरह से खाएं तो हम बोर हो जाते हैं। तो आप इसको अलग अलग तरह से ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपको ये जरूर अच्छी लगेगी। इसी तरह से आप आलू में भी मसाला भर लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा आलू को हल्का सा खोलिए और उसके अंदर मसाला भर दीजिए, बहुत आराम से भर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है भरने में। आप चाहें तो इसे नाइफ की हेल्प से भी भर सकते हैं, ऐसे नाइफ ले लीजिए और उसको मसाला लेके इस तरह से भर सकते हैं, ऐसे भी ये भर जाता है और हाथ से भी भर जाता है। सारे आलूओं को भी हम बढ़िया तरीके से भर लेंगे मसाले से। सभी आलू और बैंगन हमने मसाले से फिल कर लिए हैं और थोड़ा मसाला मेरा बच गया है, उसका यूज भी हम कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया तरीके से हमारे आलू और बैंगन भर गए। अब हमने क्या करना है, गैस पे मैंने रखा है कुकर और उसमें डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल। जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे अपना पंचपूरन मसाला, यानी सौंफ, मेथी, कलौंजी, जीरा और राई। जब ये अच्छी तरह से तड़क जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज और उनको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए अच्छी तरह से हमारा तड़क गया है मसाला बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे अपने प्याज बारीक कटे हुए और इनको भी हम बढ़िया तरीके से भून लेंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और कौन कौन इस तरह से बैंगन बनाता है। अगर किसी के पास कोई सजेशन है तो वो मुझे ज़रूर दे। और मैंने अब क्या किया, बैंगन में थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिया था बारीक कटा हुआ 3-4 कलियाँ। जब अच्छी तरह से प्याज हमारा भून गया है तब मैंने उसमें डाले हैं 2 बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए कि नमक हमने मसाले में भी डाला था जो हमने बैगनों के अंदर भरा है, नमक थोड़ा ध्यान से डालिए। उनको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब टमाटर हमारे हल्के से मैश हो जाएंगे तब हमने क्या करना है, जो हमने मसाले में बैगन भरे हैं ना अच्छी तरह से, आलू बैगन उन सबको हम इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक बढ़िया तरीके से आप मीडियम आंच पर इसको भून लीजिए। चलो फेसबुक पर मेरी वीडियो को देखना चाहें तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए बढ़िया तरीके से हमने बैगनों को भून लिया है, लग रहे हैं ना बहुत टेस्टी। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब जो मसाला था हमारा बचा हुआ उसमें हमने थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसमें डाल दिया है, बस थोड़ा सा ही पानी डालिएगा और 2 विसल लगाइएगा। 2 विसल में ये बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं आलू भी और बैंगन भी। तो टेस्टी वाले आलू बैंगन की सब्जी हमारी बन के हो गई है रेडी। चलिए ऐसे सर्व कर लेते हैं। आप इसको परौठों के साथ खाइए गर्मा गर्म, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारे घर में तो सभी लोग उसको परौठे के साथ खाते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता ही है, और कमेंट भी कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल बनके रेडी हो गई है हमारी टेस्टी वाली आलू बैंगन की सब्जी, आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आई एम श्योर आपके घर में सबको ये ज़रूर पसंद आएगी। जल्दी मिलूंगी मैं आपसे ऐसी नई नई वीडियोज़ के साथ में। बाय।